हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस एस मैथन आर एस ग्रुप डी के लिए है ये क्वेश्चन। टू इंडिविजुअल कुलदीप एंड अगरकर वर्किंग सेपरेटली कैन रीप हार्वेस्ट इन ए फील्ड इन 8 and 12 hours रेस्पेक्टिवली। दे वर्क 1 hour ईच वन आफ्टर द अदर इन विच कुलदीप बिगिन्स टू वर्क फ्रॉम 9 AM। बाई वट वर्क टाइम विल द क्रॉप बी हार्वेस्टेड। बाई वट टाइम होगा, ठीक है देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि कुलदीप और अगरकर दोनों सेपरेट सेपरेट 8 घंटा एवं 12 घंटे में टोटल हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब ज़मीन को पूरा एकदम खेती में काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दिया हुआ है कि 1 घंटे करके, एक पहले अगर कुलदीप काम करेगा 1 घंटा, ठीक है, तो उसके बाद अगरकर काम करेंगे कितना, फिर 1 घंटा अगरकर काम करेंगे, कुलदीप काम कर लिए 1 घंटा, फिर अगरकर, फिर कुलदीप, फिर अगरकर, ऐसे करके सिक्वेंस में काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले पकड़ लेते हैं कि कुलदीप 8 घंटे में काम करता है, कुलदीप करता है 8 घंटे में एंड आगरकर करते हैं 12 घंटे में। टोटल यूनिट इन दोनों का एलसीएम पकड़ लेते हैं तो 24 पकड़ लेते हैं टोटल यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। अब 8 घंटे में कुलदीप टोटल 24 यूनिट काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना करेंगे सर, 3 यूनिट। सिमिलरली आगरकर 12 घंटे में काम करता है 24 यूनिट, 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेंगे, 2 यूनिट। तो 1 घंटे में, या फिर पहला 1 घंटे उसके बाद 1 घंटे, मतलब 2 घंटे में टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है सर, 5 यूनिट। देखिए दोनों सेपरेट सेपरेट एक साथ नहीं काम कर रहे, ठीक है, तो 5 यूनिट काम हो जाता है 2 घंटे में, ठीक है। अब समझो पहली बात, पहले कौन स्टार्ट किए, देखो कुलदीप बिगिंस द वर्क, मतलब कुलदीप साहब पहले काम कर लिए, पहले तीन यूनिट हो गया, फिर 2 यूनिट हो गया, ये 2 घंटे में हो गया। उसके बाद दूसरे 2 घंटे में, उसके बाद वाला 2 घंटे में फिर 5 यूनिट होगा, क्योंकि देखिए 24 यूनिट है, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 4 ऐसे घंटा होगा, या फिर 4 ऐसे 2 घंटा काम हो जाएगा, फिर 2 घंटा किए, फिर 5 यूनिट, फिर 2 घंटा किए। ये आपको खाली समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है, लेकिन आप जब काम करोगे या फिर आप जब ये हिसाब करोगे तो बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। टोटल टोटल कितना हो गया सर, 24 यूनिट हो गया, 4 × 2 = 8 घंटा निकल गया काम। अब देखो फिर से कौन आएगा सर, कुलदीप साहब आएंगे, फिर कुलदीप साहब 1 घंटे में आए, फिर 3 यूनिट, सॉरी 5 × 4 = 20 हो गया, तो 20 × 3 = 23 यूनिट काम हो गया। अब कितना बचा हुआ है सर, टोटल यूनिट कितना है सर, 24 यूनिट। तो 1 यूनिट काम कौन करेंगे सर, अगरकर साहब करेंगे। 2 यूनिट ऑफ काम करते हैं 1 घंटे में, 2 यूनिट ऑफ काम करते हैं 1 घंटे में, 1 यूनिट अगरकर साहब कितने घंटे में करेंगे सर, हाफ घंटे में। तो कितना टोटल घंटा लगा सर, 8 घंटा, यहाँ पे 1 घंटा, 9 घंटा, 9 and half hour लग रहा है, ठीक है, 9 घंटा 30 मिनट सर, 9 बजे से स्टार्ट किए, फिर वहाँ पे कितना 12 बजे तक 3 घंटा हो गया, उसके बाद 6 बजे, तो 6:30 बजे काम खत्म होगा। 9 से हिसाब करो 9:30 घंटा, 9 से हिसाब करो 9:30 घंटा कितना होता है सर, 6:30 बजे होगा, 6 hour 30 मिनट में हो जाएगा। ओके सर, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।